वेलकम टू एसएससी इजी। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का टॉपिक है हमारा हिस्ट्री। तो आज हम हिस्ट्री के केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम लोग सेपरेट पार्ट टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंट्रोडक्शन क्लास हिस्ट्री का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री तीन भाग में डिवाइड हुआ है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो पहले हम लोग देखते हैं एंशियंट। तो एंशियंट में आप देख सकते हैं कि ये डिवाइड है स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, प्री मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, पोस्ट मौर्य डायनेस्टी, प्री गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी एंड पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कुछ अलग आपको लग रहा है कि प्री मौर्य एंड पोस्ट मौर्य। देखिए, ये पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन देखा गया एसएससी सीजीएल में प्री मौर्य डायनेस्टी एंड पोस्ट मौर्य डायनेस्टी से मैक्सिमम क्वेश्चन रख देता है, या प्री गुप्त डायनेस्टी या पोस्ट गुप्त डायनेस्टी से। तो हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में। तो सेकेंड है हमारा मेडिवल हिस्ट्री। तो आप मेडिवल हिस्ट्री में देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, मराठा, मैसूर एंड राजपूत एंड हैदराबाद एंड अवध। तो दोस्तों, मैक्सिमम आप लोग देखे होंगे कि मैक्सिमम लड़के दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर पढ़ के छोड़ देते हैं, वो मराठा कम पढ़ते हैं, वो मैसूर कम पढ़ते हैं, हैदराबाद कम पढ़ते हैं, जिसके चलते एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन जब आता है तो वो कुछ नहीं जवाब दे पाते, क्योंकि उनके पास कोई हिंट्स भी नहीं रहता कि कुछ क्लिक कर सके। तो हम लोग इस मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग इसे भी अच्छे से क्लियर करेंगे और हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे जो हमारा एसएससी सीजीएल में आता है। ओके, तो उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद है हमारा मॉडर्न। तो आप मॉडर्न में देख सकते हैं कि मॉडर्न को हमने पांच भाग में डिवाइड किया है। हम कैसे पढ़ेंगे स्ट्रेटेजी वाइज, क्योंकि हमारे पास टाइम का कमी है, एसएससी सीजीएल बहुत ही नज़दीक आ गया है, अब वन मंथ के अप्रॉक्स बचा हुआ है टाइम हमारा। तो उस बीच में हम इसे मॉडर्न पूरा हिस्ट्री भी ख़त्म करना है, प्लस और भी बहुत सारे जीके के पार्ट हैं उनको भी कंप्लीट करना है। तो वैसे हम सबके पार्ट निकालेंगे और ये कंप्लीट करने में हमें मतलब 7 से 8 लेक्चर के अप्रॉक्स लगे, और वो भी 10-10 मिनट का रहेगा। तो आप बस एक बार सीरीज वाइज पढ़ लीजिएगा, पार्ट वाइज पढ़ लीजिएगा, एकदम सीरीज वाइज पढ़िएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में पांच भाग में हमने डिवाइड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी जी के से रिलेटेड बहुत ही सारे क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, गांधी जी को सेपरेट करके अलग से उनके बारे में जितना भी चीज़ें वो हम लोग अलग से कवर करेंगे। देन है आईएनसी से अभी तक एसएससी में देखा गया है, मतलब हर एसएससी के एग्जाम में आईएनसी से क्वेश्चन रहता ही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आईएनसी हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद है मूवमेंट्स। मूवमेंट्स से आप देख सकते हैं कि बहुत सारा मूवमेंट हुआ है, नन कॉपरेशन मूवमेंट, खलीफत मूवमेंट, बहुत सारा मूवमेंट हुआ है। तो उस मूवमेंट से वो क्या करते थे कि डेट पूछ देते हैं, ईयर पूछ देते हैं कि किस ईयर में हुआ था, कौन उसको लीड कर रहे थे। तो ये मूवमेंट इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। देन रिफॉर्म्स, हाँ रिफॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे कि आप एंशिएंट में भी देख सकते हैं कि एंशिएंट में भी पूछा जाता है किसने क्या सती रिफॉर्म किया था सबसे पहले। फिर आप मेडिवल में भी देखेंगे सती सबसे पहले कौन रिफॉर्म किया था, कि सती सिस्टम को अबॉलिश किया था, ये आप देखेंगे। तो इसमें मॉडर्न में भी है ऐसे। देन है आपका गवर्नेंस। गवर्नेंस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये आप दिमाग में नोट कर लीजिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अन गांधी जी एंड आईएनसी, ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से ये तीन तो आपको एकदम दिमाग में एकदम डाल लेना है कि ये हमको अच्छा से आना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन रहता ही है। ओके, तो दोस्तों आज का इंट्रोडक्शन क्लास हमारा ख़त्म हुआ। आज हमने देखा कि हमें क्या क्या पढ़ना और कैसे कैसे पढ़ना और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किसे पढ़ना है। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।